बहुत धन्यवाद इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलने के लिए क्योंकि आजकल लोग तारीफ बहुत कम करते हैं। तो वैसे आपसे और आपसे तो मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूँ और आप लोग समाज के उस वैक्सीन की तरह काम आ रहे हैं जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन की हमें बहुत ज़रूरत है इस समय, तो आप जैसे व्यक्तित्व की भी ज़रूरत है हमें क्योंकि कोरोना वायरस जैसी मानसिकता को ख़त्म करने के लिए कुछ लोगों को आगे आना ही पड़ेगा, है ना। वरना हमारी फितरत है कि हम कहते हैं कि वो करेंगे तब हम करेंगे, तो मोहल्ले में कूड़ा फेंक देते हैं तो कहते हैं पाड़ी जी बंद करेंगे तब हम बंद करेंगे, पाड़ी जो फेंक रहे हैं हम भी फेंकेंगे, है ना। तो आप लोग वो हिस्सा हो कि हम खुद कर लेंगे लोग करें या ना करें। और जैसे आप सभी ने देखा कि अभी ये 8-9 महीने का एक पेंडेमिक का दौर गुजरा, सब कुछ रुका हुआ था, सब लोग कहते हैं कि ये लॉकडाउन का दौर था। मेरा मानना है कि ये आत्म चिंतन का दौर था जिसमें हमने वो चीजें खोजी जो हमें शायद कभी पता नहीं थी या शायद हम वो कर नहीं पाते। तो इस दौर में कई चीजें पता चली, कई चीजें नहीं पता चली, ठीक है। कई लोगों का भी हम लोग आप सर भी चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए और ये यही कारण है कि हम खुद में चिंतन करते ही नहीं है, हम बस भौतिक चीजों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि हमारे पास क्या सुखों का होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आपने बात अपनी खत्म करी आशा पे, तो मैं भी शुरू वहीं से करूंगा कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिनको मैंने जिनकी तुलना मैंने रातों से करी है कि किस तरह से रातें कौन सी खत्म होती हैं और कौन सी शुरू होती हैं। तो शुरू करता हूं कि कुछ रातें जगती रातों में, कुछ रातें जगती रातों में, कुछ रातें रातों में सो जाती, कुछ रातें जगती रातों में, कुछ रातें रातों में सो जाती, और कुछ रातें सुबह की चाहत में कुछ रातों से ही लड़ जाती, और कुछ रातें हैं कुछ खाली से। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता, जैसे ये 8 महीने का दौर था, 9 महीने का, कुछ हमें समझ ही नहीं आता, चाहे वो उद्योगपति हो या बहुत निचला तबका हो या बहुत ऊंचा तबका हो, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें आगे करना क्या है। तो वही है कि कुछ रातें हैं कुछ खाली सी, कुछ रातों को तो वक्त नहीं, और कुछ रातें वक्त के चाहत में यूं ही बेवक्त गुजर जाती, और कुछ रातों में तन्हाई है, कुछ रातों में तन्हाई है, कुछ रातें मदिरालय बन जाती, कुछ राखें कुछ रातें सूखे पत्तों सी, कुछ रातों में हरियाली चढ़ जाती, और कुछ रातें हैं जो रातों में बस रात अंधेरी बन जाती, कुछ रातें भीगी अश्रु सी, कुछ रातों को तो सिसकी कर जाती, और कुछ रातें बड़बड़ बातों सी, कुछ रातें बड़बड़ बातों सी, कुछ रातों में बातें मर जाती, और कुछ रातें जगती रातों में, कुछ रातें रातों में सो जाती। तो ये कविता उसी पे थी, दिन ऐसा कुछ दौर जब गुजरता रहता है। और इस दौर में मैंने जब आत्ममंथन की बात आई तो मैंने एक कविता लिखी, उसमें मैंने उन चीजों का जिक्र हुआ, जैसे हम अमूमन जिक्र करते हैं तो हम इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, है ना। हमने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया कि हमारे पास ये चीज नहीं भी होगी फिर भी चलेगा, है ना। जब भी आप किसी से पूछेंगे तो वो अपनी इच्छाएं बताता है, वो ये नहीं बताता कि मुझे क्या नहीं चाहिए। तो मैंने इनमें कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया है जो नहीं भी होगी फिर भी हम काम चला लेंगे। तो इसका शीर्षक है ये जरूरी नहीं कि हालात हमसे हो जाए, हालात हमसे हो जाए ये जरूरी नहीं, हम खुद में टूट सकते हैं, हौसला हमेशा साथ हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी थक कर रुक जाना भी लाजमी है, कभी कभी थक कर रुक जाना भी लाजमी है, हर वक्त जिंदगी से लड़ो ये जरूरी नहीं, और लोग मिलते हैं साथ चलते हैं फिर छूट जाते हैं, सब हम सफर हो जाएं ये जरूरी नहीं, और दुनिया एक है आत्मा एक है, दुनिया एक है आत्मा एक है, पर हर इंसान एक हो जाए ये जरूरी नहीं, और कुछ मैं समझता हूँ कुछ लोग समझते हैं, कुछ मैं समझता हूँ कुछ लोग समझते हैं, पर सब सबको समझ जाए ये जरूरी नहीं, और हालात बदलेंगे हवाएं बदलेंगी, हर मौसम एक सा हो जाए ये जरूरी नहीं। फिर मैं लिखता हूँ कि मैं खाली हूँ मैं अकेला हूँ, मैं खाली हूँ मैं अकेला हूँ, तो हर व्यक्ति मुझे ही वक्त दे ये जरूरी नहीं, और कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं तो सारा जमाना ही बुरा हो जाए ये जरूरी नहीं। और इस लाइन पे गौर कीजिएगा कि बदलाव बदलाव खुद में भी किया करो कभी कभी, हर बार जमाना ही बदले जरूरी नहीं, कि बदलाव खुद में भी किया करो कभी कभी, हर बार जमाना ही बदले ये जरूरी नहीं, और तुमने छोड़ दिया किसी के लिए सब कुछ, लोग तुम्हारे लिए कुछ छोड़ दे ये जरूरी नहीं, और इश्क मोहब्बत प्यार
इश्क मोहब्बत प्यार ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, लेकिन हर चीज तुम्हें ही मिल जाए ये जरूरी नहीं। और दिक्कतें तकलीफें परेशानियां जो भी हम गुजरते हुए आ रहे हैं कि दिक्कतें तकलीफें परेशानियां इन सब का आना लाजमी है, तुम इन सब में उलझो ये जरूरी नहीं। और अंतिम लाइनें हैं कि जिसको जो करना है वो कर ही लेगा, जिसको जो करना है वो कर ही लेगा, हर काम सलाह के हिसाब से हो ये जरूरी नहीं। और गम दिखाना है, गम दिखाना है तो हंस के दिखाओ, बिना वजह आंसू बहाओ जरूरी नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो थोड़ा इन पर भी फॉलो करना चाहिए तो थोड़ा सा सुखमय जीवन रहेगा। हर समय यही चीज नहीं खोजनी चाहिए कि क्या चीज हमारे लिए जरूरी है। तो बस इसी पंक्तियों के साथ मैं अपनी काव्य पाठ को यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ने पर लोग बोर हो जाते हैं। तो धन्यवाद।